गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के अपने YouTube चैनल ओटी स्टडी पॉइंट। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम काम करेंगे घातांक अनुपाती के क्वेश्चंस को। इसके पहले आने के पहले घातांक अनुपाती के बेसिक कांसेप्ट थ्योरी पर एक क्लास दे चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं, सबसे पहले आप घातांक अनुपाती के बेसिक कांसेप्ट पर थ्योरी वाला वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस प्रकार से दे रखा है, 15 बटे कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 40 माइनस कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 80 का मान है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको सिंपलीफाई करना आना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको ऊपर में 15 है तो 15 ही रखना है, फिर रूट ओवर 10 को रूट ओवर 10 ही रखना है, प्लस 20 यानी कड़ी के अंदर 20 है तो कड़ी के अंदर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 के रूप में। उसके बाद से जो आपका 40 है, 40 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 10 के रूप में। उसके बाद से कड़ी में 5 है तो कड़ी में 5 ही रखिए, और आपका कड़ी में 80 है तो कड़ी में 80 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 5 के रूप में। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, मैंने कड़ी में 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5 के रूप में कर दिया, कड़ी में 40 का फैक्टर 2 × 2 × 10 के रूप में, और कड़ी में 80 का फैक्टर 4 × 4 × 5 के रूप में कर दिया। अब आगे ध्यान से समझिएगा, ये आपका 15 है तो 15 ही रहेगा। उसके बाद से कड़ी में 10 है तो कड़ी में 10 ही रखना है। यहाँ पर देखिएगा 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को बाहर ले लेते हैं, अब कड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा, कड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा 5। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी आपका 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को बाहर ले लेते हैं, अब कड़ी के अंदर मिल जाएगा 10। उसके बाद से माइनस कड़ी के अंदर 5, यहाँ पर आपका 4 का जोड़ा बन रहा है तो 4 को बाहर ले लेते हैं और कड़ी के अंदर 5। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिएगा आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 15 है तो 15 ही रखना है, बटे यहाँ पर देखिएगा कड़ी में 10 और 2 कड़ी में 10, तो 2 कड़ी में 10 और 1 कड़ी में 10 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3 कड़ी के अंदर 10। यहाँ पर देखिएगा 2 कड़ी में 5 है प्लस का, तो 2 कड़ी में 5 ही रखना है। उसके बाद से माइनस 4 कड़ी में 5 और माइनस 1 कड़ी में 5, आपका हो जाएगा माइनस का 5 कड़ी के अंदर 5, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 15 बटे, अब देखिएगा 3 कड़ी के अंदर 10। यहाँ पर माइनस का 5 कड़ी में 5 में से 2 कड़ी में 5 घटेगा तो आपको मिलेगा माइनस का 3 कड़ी के अंदर 5। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15। यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है तो हर से 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कड़ी के अंदर 10 माइनस कड़ी के अंदर 5। अब 3 से काटिए 15 के तो 5 बार में जाएगा तो आपको आगे क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको 5 बटे रूट ओवर 10 माइनस रूट ओवर 5 यानी 5 बटे कड़ी में 10 माइनस का कड़ी में 5 आपको मिल जाएगा। अब आपका कोई भी ऑप्शन इस रूप में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण गुणनखंड करेंगे। परिमेयकरण गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पर कड़ी में 10 माइनस का कड़ी में 5 है तो इसका परिमेयकरण करने के लिए इसमें गुणा करेंगे, कड़ी में 10 प्लस का कड़ी में 5 से गुणा, अब कड़ी में 10 प्लस का कड़ी में 5 से भाग करेंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा 5 कड़ी में 10 प्लस का कड़ी के अंदर 5। अब नीचे वाली वैल्यू आप देखिएगा तो एक फार्मूला के रूप में है, ए आपका ए माइनस का बी के रूप में है, ए आपका ए प्लस बी के रूप में है, एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में आपका ए प्लस
का स्क्वायर। अब आगे साफ कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पांच करड़ी के अंदर दस प्लस कड़ी के अंदर पांच दस का स्क्वायर, यानी कड़ी में दस का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा दस और कड़ी में पांच का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा पांच। तो दस में से पांच घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, दस में से पांच घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पांच, पांच पांच से आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा कड़ी में दस प्लस का कड़ी में पांच। अब इस रूप में भी आपका आंसर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, कड़ी में पांच कॉमन ले लेते हैं, देखिए कैसे कॉमन लेंगे, कड़ी में दस को लिख सकते हैं कड़ी में पांच पूरे कड़ी में दो और कड़ी में पांच है पूरे एक लिख सकते हैं तो कड़ी में पांच आप कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, कड़ी के अंदर दो प्लस का एक, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको डिटेल में आपको सॉल्व करके बताया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू आपका इस प्रकार से है, ए पे पावर वन अपन एक्स बराबर बी पे पावर वन अपन वाई बराबर सी पे पावर वन अपन जेड। यदि बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों ए पे पावर वन अपन एक्स बराबर बी पे पावर वन अपन वाई बराबर सी पे पावर वन अपन जेड, इस पूरी वैल्यू को मान लेते हैं कि के की बराबर है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर ए पे पावर वन अपन एक्स बराबर बी पे पावर वन अपन वाई बराबर सी पे पावर वन अपन जेड बराबर के है, यानी कि यह वैल्यू भी के बराबर है, यह वैल्यू भी के बराबर है, यह वैल्यू के बराबर है, तो बराबर कर लेते हैं। यानी ए पे पावर वन अपन एक्स बराबर के लिख सकते हैं, उसी प्रकार से बी पे पावर वन अपन वाई के बराबर के लिख सकते हैं, उसी प्रकार से सी पे पावर वन अपन जेड भी बराबर के लिख सकते हैं। अब हमको एक पावर को गायब करना है, यानी ए पे पावर वन अपन एक्स है तो वन अपन एक्स को गायब करना है। गायब करने के लिए क्या करेंगे, पावर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो आपका एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी के की पावर एक्स, यहाँ का भी पावर खत्म करिए तो वाई से गुणा करेंगे तो वाई वाई कटेगा तो यहाँ पर आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी के की पावर वाई, यहाँ पर भी पावर खत्म करिए तो जेड से गुणा करेंगे तो जेड जेड कैंसिल होगा तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी के पे पावर जेड। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखिएगा आपको दे रखा है कि बी स्क्वायर बराबर एसी है तो बी स्क्वायर बराबर एसी दे रखा है, बी की वैल्यू आपने निकाला है क्या के पे पावर वाई इसका स्क्वायर, ए की वैल्यू आपने निकाला है क्या के पे पावर एक्स गुणे सी की वैल्यू आपने निकाला है के पे पावर जेड। अब इसको हल करिए तो k पे पावर क्या होगा, दो का वाई में गुणा होगा k पे पावर टू वाई बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों के आधार बराबर है तो घाते क्या होंगी जुट जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा x प्लस का जेड। अब देखिएगा आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर लेते हैं तो घातों की तुलना करेंगे तो टू वाई बराबर मिलेगा x प्लस जेड, यानी कि आपने x प्लस जेड की वैल्यू निकाली टू वाई, यही आपको निकालना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको इस प्रकार से दे रखा है, ए बटे वन प्लस पी पे पावर एक्स माइनस वाई प्लस वन बटे वन प्लस पी पे पावर वाई माइनस एक्स का मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, ए आपका एक है तो एक ही रखना है, वन प्लस का पी पे पावर एक्स माइनस वाई को हम लिख सकते हैं पी पे पावर एक्स इनटू का पी पे पावर माइनस वाई, क्योंकि आपको पता है यदि आपका आधार बराबर है तो घाते जुड़ सकती है, यानी कि पहले आपका इस रूप में हुआ होगा तो इस रूप को सॉल्व करने पे ए आपको मिला होगा, तो इस तरीके से पी पे पावर एक्स माइनस वाई को मैंने पी
यानी 128 को दो पे पावर 7 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर दोनों के आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा इसी में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से है, क्यूब रूट ऑफ 32 पे पावर 3 बटे 5 गुणे 243 पे पावर माइनस 3 बटे 5 का आपको मान निकालना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ही रखते हैं, अब देखिएगा 32 है तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 32 को लिख सकते हैं 2 × 4 = 8 × 16 = 32, यानी 32 को हम 2 पे पावर 5 के रूप में लिख देते हैं। तो 32 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 पे पावर 5 और करणी के बाहर ऑलरेडी आपका 3/5 है गुणे 243 को क्या लिख सकते हैं, 243 को हम 3 पे पावर 5 लिख सकते हैं। 3 × 9 = 27 = 243, यानी कि 243 को हम लिख सकते हैं 3/5 और ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस का 3/5 है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, तो यहाँ से आपको ध्यान से समझिएगा, क्यूब रूट ऑफ ये आपका 2 पे पावर 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यह कह सकते हैं पावर का पावर में मल्टीप्लाई यानी घातांक का घातांक में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5 × 3/5 ये गुणे 3 पे पावर 5 है तो 5 का गुणा माइनस का 3/5 से करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल, तो आपको मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर माइनस का 3। अब देखिएगा क्यूब रूट ऑफ ये 2 पे पावर 3 को 2 पे पावर 3 रखिए, 3 पे पावर माइनस 3 को हम बट्टे में लेकर आएंगे तो ए आपका हो जाएगा 3/3, क्योंकि आपको पता है ए पे पावर माइनस एम को हम 1/m लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से 3/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा क्यूब रूट ऑफ ए आपका 2/3 है तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ए आपका 3/3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ये आपका क्यूब रूट निकालना है यानी घनमूल निकालना है, तो ऊपर से तो आपको मिलेगा 2 और नीचे से आपको मिलेगा 3, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसी में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से दे रखा है, रूट ओवर एक्स पे पावर 4, फिर उसके बाद से रूट ओवर एक्स पे पावर 4, फिर रूट ओवर एक्स पे पावर 4 के रूप में आपको दे रखा है, तो आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर से आपको सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले आप ये समझिए x पे पावर 4 हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 4 को लिख सकते हैं x² / x² के रूप में, तो यहां से देखिएगा आपका क्या होगा, रूट ओवर x पे पावर 4, उसके बाद से आपका ये ब्रैकेट हटाते हैं तो रूट ओवर x पे पावर 4 है और x पे पावर 4 की जगह x² / x² लिख देते हैं तो x² / x² आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब देखिएगा x पे पावर 4 है तो x पे पावर 4 ही रखना है, रूट ओवर x पे पावर 4। अब देखिएगा यहां पर x² का आपका एक जोड़ा बन गया, x² / x² आपका x² का जोड़ा बन गया तो एक x² आपका बाहर आएगा, ये बाहर मैंने ले लिया, यहां से आपको मिलेगा x पे पावर 4 और ब्रैकेट के अंदर दोनों के आधार बराबर हैं तो घाते जुड़ेंगे, यानी x पे पावर 4 और x पे पावर 2 आपका x पे पावर 6 हो जाएगा। अब आगे ध्यान से समझिएगा, x पे पावर 4 है, क्या मैं x पे पावर 6 को x पे पावर 3 / x पे पावर 3 के रूप में लिख सकता हूं,
यानी कि हम क्या करेंगे, x को पावर 6 के जगह पर x को पावर 3 * x को पावर 3 लिख देते हैं, तो a आपका हो जाएगा x को पावर 3 * x को पावर 3, तो आपको क्या मिल जाएगा रूट ओवर x को पावर 4, a आपका x को पावर 3 का जोड़ा बन गया, तो a x को पावर 3 आपका बाहर आएगा, तो आपको मिल जाएगा रूट ओवर x को पावर 7। अब देखिएगा इस रूप में आपका आंसर नहीं दिया है, करणी से बाहर दिया है, तो आपको पता है कि यहाँ पर यदि कुछ नहीं लिखा होता है तो करणी की घात 2 होती है, तो 2 आपका कैसे आता है, बटे के रूप में आता है, तो आपको मिल जाएगा x में पावर 7 बटे 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल तरीके से आप तोड़ते हुए सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसे सॉल्व किया, नहीं तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं x की पावर 4 है तो 2 बार आएगा x पावर 6 होगा। अब x की पावर 6 हुआ तो x की पावर 6 में से x पावर 3 बार आएगा, यानी फाइनली मिलेगा x की पावर 7, और करंट से बाहर निकालेंगे तो x की पावर 7 बटे 2। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 के पावर x प्लस 1 माइनस 2 के पावर x, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ये आपका 2 के पावर x है प्लस 2 के पावर x माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर x * 2 के पावर माइनस 1, यानी कि मैंने 2 पे पावर x माइनस 1 का फैक्टर कर दिया गुणनफल कर दिया। ये आपका 2 पे पावर x प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर x हो गए 2 पे पावर a माइनस 2 पे पावर x। अब देखिएगा ऊपर आपका 2 पे पावर x का मान है, यहां पर भी 2 पे पावर x है और यहां पर भी 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x का मान लेंगे तो आपको मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको a और यहां से आपको मिलेगा 2 पे पावर माइनस का a, बटे यहाँ पर भी 2 का पावर x है, यहाँ पर भी 2 का पावर x है, तो 2 का पावर x आप मान लीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 और माइनस यहाँ से आपको मिलेगा 1। अब 2 का पावर x से 2 का पावर x कैंसिल होगा, तो यहाँ से आप देखिएगा क्या होगा 1 प्लस का 2 का पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 बटे 2 के रूप में, और यहाँ पर देखिएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। अब आगे क्या होगा, अब 1 प्लस का 1 बटे 2 आप हल कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 2, 2 एक कम 2 और 1 3, यानी कि फाइनली आपको मिल जाएगा 3 बटे 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा इसी में क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार से दे रखा है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर 81 उसके बाद से पावर 6 और बाहर आपका 1/24 है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 81 को पहले समझिए, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, किसके पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो देखिएगा 3 * 9 = 27 को हम 3 पे पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं 3 पे पावर 4, अब बाहर आपका 6 है ही और उसके बाद आपका 1/24 है। तो यहाँ पर देखिएगा पावर का पावर मल्टीप्लाई कराइए तो 3 पे पावर आपको 24 मिल जाएगा, अब बाहर आपका 1/24 है ही, तो ये आपका फिर इस पावर का इस पावर मल्टीप्लाई कराइए तो 24 * 1/24 से कैंसिल तो आपको मिल जाएगा 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो आंसर 3 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 पावर
तीन पे पावर दो और बाहर पावर आपका तीन है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपका डिवाइड है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था यदि x पे पावर a पे पावर p पे पावर n तो कैसे सॉल्व होता है, x पे पावर a p को ब्रैकेट में फिर पे पावर n, यानी कि सबसे पहले हम ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये आपका 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करना है, यानी सबसे पहले 2 पे पावर 3 का मान हम सॉल्व करेंगे। तो 2 पे पावर 3 का मान कितना होता है, 8। तो 8 मैंने लिख दिया, यहां तक सबको समझ में आया होगा, मैंने केवल 2 पे पावर 3 को 8 के रूप में लिख दिया, जो कि 2 पे पावर 3 का मान 8 होता है डिवाइडेड। ये आपका देखिएगा सभी के ऊपर ब्रैकेट है, यानी हम इन सभी घातों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह आपस में ब्रैकेट बाय ब्रैकेट है, यानी एक ब्रैकेट के अंदर पावर 3 है तो ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है, फिर बड़े ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो इस रूप में दिया होगा, तो आपको सभी पावर का सभी घातों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि इस रूप में देगा तो आपको सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करना है, फिर ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको ए वाली वैल्यू सॉल्व करना है, तो ऐसे चलना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा, सभी पावर का मल्टीप्लाई कराइए तो 3 दूना 6 3 18 यानी 2 पे पावर 18 मिल गया। अब देखिएगा 2 पे पावर 3 पे पावर 8 का मान कितना होता है, जो 3 पे पावर 8 का मान होता है वो आपका होता है 6561 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 18। अब देखिएगा मैं ये भाग के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6561 बटे 2 पे पावर 18। मैंने आपको बताया था जब आधार बराबर हो तो घातें क्या होती है, घट जाती है, तो आपको मिल जाएगा 2 पे पावर 6561 माइनस का 18 है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 पे पावर कितना होगा, 11 में से 8 जाएगा 3, फिर यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4 और 65, यानी कि आपको फाइनली आंसर मिल गया 2 पे पावर 6543। 2 पे पावर मिल गया आपको 6543, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस प्रकार से दे रखा है 2 पे पावर x माइनस 1 इनटू 3 पे पावर 2x डॉट 1 इनटू 5 पे पावर x डॉट y इनटू 6 पे पावर y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर y इनटू 6 पे पावर x डॉट 1 इनटू 10 पे पावर y डॉट 2 इनटू 15 पे पावर x माइनस 1, इसका आपको मान निकालना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा 2 पे पावर x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर f इनटू 2 पे पावर माइनस n इनटू, अब 3 पे पावर 2x डॉट 1 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2f इनटू 3 पे पावर 1 इनटू, 5 पे पावर x डॉट y को लिख सकते हैं 5 पे पावर f इनटू 5 पे पावर y, 6 पे पावर y माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 6 पे पावर y इनटू 6 पे पावर माइनस 2। यहां तक सबको समझ में आया होगा, मैंने क्या किया इन सब का गुणनखंड कर दिया। अब 3 पे पावर y है तो 3 पे पावर y ही रखना है इनटू 6 पे पावर x गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं 6 पे पावर x इनटू 6 पे पावर 1 इनटू 10 पे पावर y है 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर y इनटू 10 पे पावर 2 इनटू 15 पे पावर x माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 15 पे पावर x इनटू 15 पे पावर माइनस। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब देखिएगा कुछ वैल्यू आपकी जो कटने वाली है उसको सबसे पहले काट देते हैं। तो यहां पर देखिएगा अभी कोई भी वैल्यू आपका कटने वाला नहीं, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपका 2 पे पावर x इनटू 2 पे पावर माइनस 1 3 पे पावर 2x है इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर x इनटू 3 पे पावर x, क्योंकि 3 पे पावर 2x है 3 पे पावर x इनटू 3 पावर x लिख देंगे, क्योंकि घातें जोड़ेंगे तो यही आपका आ जाएगा इनटू
3 पे पावर 1 है इनटू 5 पे पावर x है इनटू 5 पे पावर y है इनटू 6 पे पावर y है तो 6 पे पावर y है तो 6 पे पावर y रखते हैं इनटू 6 पे पावर y है तो -2 कर सकते हैं बट यहां पर देखिएगा 3 पे पावर y है इनटू 6 पे पावर x है तो 6 पे पावर x रखेंगे इनटू 6 पे पावर 1 इनटू 10 पे पावर y है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 कोड़े 2 पावर y इनटू 15 पे पावर x है तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 कोड़े 5 पे पावर x इनटू 15 पे पावर माइनस 1 है तो इसको आप 15 पे पावर माइनस 1 कह सकते हैं अब देखिएगा अब आगे ध्यान से समझिएगा ये आपका 2 पे पावर x है इनटू 2 पे पावर माइनस 1 है उसके बाद से इनटू 3 पे पावर x है इनटू 3 पे पावर x है इनटू 3 पे पावर 1 है इनटू 5 पे पावर x है इनटू 5 पे पावर y है इनटू 6 पे पावर y है अब देखिएगा 6 पे पावर y है तो 6 पे पावर y को भी हम तोड़ सकते हैं 6 पे पावर y को कैसे तोड़ सकते हैं ध्यान से देखिएगा 6 पे पावर y है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 पे पावर y यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर y गुणे 2 पे पावर y की तो 6 पे पावर y को हम लिख देते हैं 3 पे पावर y इनटू 2 पे पावर y इनटू 6 पे पावर माइनस 2 अब आगे आप लोग ध्यान से समझिएगा यहां पर 3 पे पावर y इनटू 6 पे पावर x तो 6 पे पावर x को भी आप फैक्टर कर देंगे 6 पे पावर x को आप क्या लिख सकते हैं जैसे हमने 6 पे पावर y का फैक्टर किया उसी प्रकार से 6 पे पावर x का फैक्टर करेंगे तो 3 पे पावर x इनटू 2 पे पावर x होगा इनटू 6 पे पावर 1 यहां पर देखिए 5 गुणे 2 पे पावर y है तो इसको लिख देंगे 5 पे पावर y इनटू 2 पे पावर y इनटू 3 गुणे 5 पे पावर x है तो इसको लिख देंगे 3 पे पावर x इनटू 5 पे पावर x इनटू 15 पे पावर माइनस अब देखिएगा सारी वैल्यू आपकी कटेगी 2 पे पावर x से 2 पे पावर x उसके बाद से 3 पे पावर x तो 3 पे पावर x से आपका 3 पे पावर x उसके बाद से 3 पे पावर x यहां है और 3 पे पावर x नीचे लिए गए से 5 पे पावर x यहां है और 5 पे पावर x यहां है कैंसिल उसके बाद से 5 पे पावर y यहां है और 5 पे पावर y यहां पर लिए कैंसिल 3 पे पावर y यहां है और 3 पे पावर y यहां है ये भी कैंसिल 2 पे पावर y यहां है और 2 पे पावर y यहां भी है कैंसिल तो सारी चीजें आप देख रहे हैं कैंसिल हो गए तो फाइनली आपको मिलेगा क्या तो फाइनली आपको 2 पे पावर माइनस 1 और 3 पे पावर 1 उसके बाद से आपको 6 पे पावर माइनस का 2 बटे नीचे आपको 6 पे पावर 1 गुणे 15 पे पावर माइनस 1 मिलेगा 6 पे पावर 1 गुणे 15 पे पावर माइनस 1 आपको मिल जाएगा यहां तक आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अब देखिएगा आगे ध्यान से समझिएगा इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ठीक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है जो वैल्यू बच्चों मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है अब देखिएगा 2 पे पावर माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 के रूप में गुणे 3 पे पावर 1 है तो इसको आप 3 ही रखिए गुणे 6 पे पावर माइनस 2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 6 का स्क्वायर ओके अब देखिएगा नीचे आपका 6 पे पावर 1 है नीचे आपका 6 पे पावर 1 है तो इसको आप क्या करेंगे नीचे आपका 6 पे पावर 1 है तो 6 पे पावर 1 ही रखिए ये आपका 15 पे पावर माइनस 1 है तो इसको आप 1 बटे 15 कर दीजिए अब आप देखिए यहां से आगे कैसे सॉल्व होगा तो ऊपर तो आपको मिलेगा 3 बटे 6 पे पावर 2 यानी 36 और 36 का 2 टुकड़ा करेंगे तो आपको मिलेगा 72 बटे यहां पर आपको क्या मिलेगा 6 बटे 15 अब देखिएगा आगे आपका कैसे सॉल्व होगा अब देखिएगा ये वैल्यू तो आपका इसके साथ जाएगा तो ये आपका यहां से देखिएगा 3 से पहले काट देते हैं तो 24 बार में जाएगा और इसको आप 6 से काटेंगे यहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा ये आपका फाइनली जो कट फिट कर आएगा इसका आंसर तो आपका आएगा 1/960 रूप में आएगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका मिस्टेक हुआ होगा तो उसको आप देख करके याद कर लीजिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो आप क्वेश्चन नंबर 10 है इसको आप एक बार अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। मैंने आपको कैसे फैक्टराइज करना है, कैसे गुणनफल करना है इसके बारे में बता दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है रूट ओवर 3/7 पे पावर x धर्म 1 बराबर आपको दे रखा है 343/27। इसमें आपको x की वैल्यू बताना है कि x का मान क्या है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा आपका रूट ओवर है 3/7 x धन 1। अब देखिए अगर 343/27 लिख सकते हैं जो आपका 343 है 7 का क्यूब है तो इसको लिख देंगे 7 और 27 आपका है 3 का क्यूब यानी पूरी वैल्यू को 7/3 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 343 है वो 7 का क्यूब है और 27 आपका 3 का क्यूब है यानी कि 343/27 को 7/3 का क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे सवाल करते हैं अब करणी हमको हटाना है तो करणी हटाएंगे तो क्या होगा बटा 2 के रूप में लेकर आएगी तो यहां पर आपका हो जाएगा 3/7 x धर्म 1/2। मैंने क्या किया इस करणी को हटाया यानी इसको मैंने करणी से बाहर लाया तो जब करणी से बाहर निकालते हैं तो 1/2 के रूप में आती है x प्लस 1 था 1/2 हो गया बराबर आपका है 7/3 ओके। अब देखिएगा दोनों के आधार समान नहीं है यानी यहाँ का आधार 2/7 है यहाँ का आधार 7/3 है तो करते क्या है इसको पलट देंगे तो पलटने पर क्या होगा आपका जो पावर होगा वो माइनस में हो जाएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3/7 x धन 1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर इसको पलटिए तो ये आपका 3/7 माइनस का थी। पलटने के लिए मैंने क्या किया 7/3 को 3/7 किया और जो आपका पावर था वो माइनस में हो गया ऐसा इसलिए किया जिससे हमारा आधार बराबर हो गया। अब दोनों जगह आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1/2 बराबर माइनस 3 तो x प्लस 1 बराबर मिलेगा माइनस का 6 तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 7। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 तो इस प्रकार से है रूट ओवर x बटे y प्लस रूट ओवर y बटे x बराबर 10/3 और x प्लस y बराबर 10 दे रखा है तो आपको x y की वैल्यू बताना है यानी कि आपको x * y का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिएगा रूट ओवर x बटे y प्लस रूट ओवर y बटे x बराबर आया था 10/3। यहाँ पर देखिएगा रूट ओवर वाई और रूट ओवर एक्स का आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा रूट ओवर एक्स इंटू वाई रूट ओवर वाई और रूट ओवर वाई कैंसिल होगा तो रूट ओवर एक्स का रूट ओवर एक्स में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस यहाँ पर रूट ओवर एक्स से रूट ओवर एक्स कैंसिल होगा और रूट ओवर वाई का रूट ओवर वाई में गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई बराबर आपको मिल जाएगा 10/3। आपको दे रखा है x प्लस y की वैल्यू 3 यानी इसकी जो पूरी वैल्यू है उसका मान तो 10 है और आपको कंपेयर कराएंगे तो रूट ओवर x इंटू वाई की वैल्यू मिल जाएगा 3 यानी कि रूट ओवर x इंटू वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। कैसे? क्योंकि हमको ऑलरेडी दे रखा है कि x प्लस y की वैल्यू 10 है तो मैंने कंपेयर कराया तो x प्लस y की वैल्यू 10 तो रूट ओवर x इंटू y की वैल्यू 3 होगा। आपको x इंटू y की वैल्यू निकालना है तो x इंटू y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर तो आपको मिलेगा एक्स वाई, क्योंकि इधर का स्क्वायर करेंगे तो आपका कर्णी हटेगा एक्स वाई मिलेगा, और तीन का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा नौ। इस तरीके से एक्स इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी नौ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है 3 पे पावर x - 5 बराबर 27 पे पावर 2x - 5, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा 3 पे पावर x - 5 बराबर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और ऊपर ऑलरेडी आपका पावर 2x माइनस का 5 है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखिएगा दोनों का आधार समान है तो घातों की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 5 बराबर 3 ब्रैकेट में 2x माइनस का 5। तो यहाँ से x प्लस 5 बराबर मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो 6x माइनस का 15। अब देखिएगा x वाली वैल्यू को एक तरफ तो 6x में से 1x घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5x, और माइनस का 15 आपका इधर आएगा तो 5 है आगे डी वाले, और माइनस का 15 आपका लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर आपको मिल जाएगा 20। 5 से काटिए तो 4 बार में तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4। इस तरीके से जो x का मान होगा वो आपका 4 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको सॉल्व करवाया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से करवाता हूं कि उस क्वेश्चन के बेसिस पर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे छूटे नहीं, और किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।